कितनी बार कहा है मुझे इस नंबर पे कॉल मत किया करो। अगर मेरा काम हुआ होता तो पूरी कीमत देती ना। यहाँ आने की धमकी अपने पास रखो, क्योंकि अगर मैं वहाँ आ गई ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उस नर्स को आपने नहीं भेजा था? तुम्हारे घर से फोन आया था कि नर्स आप लोगों ने खुद अरेंज कर ली। किसने फोन किया था? आपके पास नंबर तो होगा ना? मैं अभी देख कर तुम्हें भेजता हूँ। करो मैया, आपकी कृपा से सब ठीक है। मैडम आप ठीक है? तो बहुत खून बह रहा है। मैडम सर, सर आपको भी चोट लगी है सर? Easy. आप ठीक तो है? Are you okay? पर अथर्व जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको इतनी चोट लगी थी, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। Thank you, GS. ये मुझे डांट रही है। तो क्या आपकी आरती उतारी? आपको मेडल दे? कैरी की तरह आपके कॉपियों में वेरी गुड के स्टिकर चिपका है? आपको समझ में नहीं आता है क्या? ये आपको आराम की जरूरत है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं? इमली तुम क्या कर रही हो? इमली मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम एक दिन मेरे सामने ऐसे आओगी। हमें सीख जाना चाहिए था अथर्व जी कि जब आप हमारे सामने आएंगे तो यही मान के आएंगे कि हम आपके दुश्मन हैं। हाँ, किसी ने कुछ कह दिया और आप मान गए कि हम आपको मारना चाहते हैं। आप हम पर भरोसा करना भूल गए हैं क्या? आप ना रोज 7 बादाम भिगोकर खाइए, तभी आपको याद रहेगा कि हम जैसे थे आज भी हम वैसे ही हैं। किसकी आधी बात सुनकर आ गए फिर से हम पर इल्जाम लगाने? मैं आधी बात सुनता हूँ, पर एटलीस्ट सुनता तो हूँ। अरे तुम मुझे मेरी बात पूरी करने का मौका ही नहीं दे रही। बिना कुछ सुने, बिना कुछ समझे बस मुझ पे जजमेंट पास कर रही हो यार। क्या समझे हम? हाँ क्या समझे हम? अपनी हालत देख रहे हैं? ऐसे तमतमा रहे कि सूरज जी भी बादलों में अपना मुंह छुपा लिया। एक चोट तो आपकी सही हुई नहीं और अपनी गाड़ी आपने पुलिस जीप में घुसा दी। अरे आप हमसे इतनी नफरत करते कि आपने अपना ही एक्सीडेंट करवा लिया। लिसन, मैंने अपना एक्सीडेंट करा नहीं बल्कि एक्सीडेंट होने से बचाया है। ये ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। अगर मैं अपनी गाड़ी बीच में ना लेके आता तो तुम्हारी गाड़ी ट्रक में घुस जाती। तो घुस जाती ना, आप बीच में क्यों आए? तुम्हें नहीं पता क्यों? क्योंकि हम कैरी की मम्मा हैं।